हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोती वर्क राधे राधे। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में मैं आप सभी के साथ राखी स्पेशल में शेयर करने वाली हूँ। राखी बनाना अपने घर पे बैठे हुए, तो इसे कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें कैसे कैसे मोती चाहिए और कितनी मोती चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें हमारा शुभ चिन्ह भी है। सो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसे कैसे बनाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वो मोती है जो हमें चाहिए इस राखी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो, ये एक शुभ चिन्ह का जो है लॉकेट की तरह है। इसमें आप देखोगे इस तरफ ये गैप दे रखा है कि आप इसे राखी में यूज़ कर सकते हो। आप सोचोगे आपको ये कहाँ मिलेगा, तो वही मिलेगा जहाँ से आप मोती लेते हैं। आप कहिएगा कि आपको राखी बनाना है तो आपको शुभ चिन्ह चाहिए, सो मिल जाएगा आपको। तो ये हमें चाहिए एक पीस, और ये मोती हमें चाहिए, इसे मुढ़ी मोती कहते हैं। तो गोल्डन कलर में, एक काफ़ी कलर में आते हैं, तो आप गोल्डन कलर में चाहे तो ले सकते हैं। मैंने गोल्डन कलर में लिया है और इसे मुढ़ी मोती कहते हैं। ये हमें चाहिए दो पीस, और ये असल में जो हमारे आपने देखा होगा गोपाल उपाल के माला में यूज़ होता है ये मोती, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी। सो ये मोती चाहिए, और इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, यानी कि छः नंबर की मोती है करीब। तो ये हमें चाहिए चार पीस, आप कोई भी कलर ले सकते हो, मैंने ऑरेंज लिया है। और ये मोती चाहिए हमें, इसका नाम मुझे नहीं पता है कि क्या है, बट आप देख सकते हो गोल शेप में है और हल्का सा इसमें कुछ डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये हमें चाहिए करीब छः पीस, और ये लास्ट मोती है। ये एक पाइप मोती आती है, पाइप नाम ही है इसका। ये बहुत सारे मतलब कलर और बहुत सारे वैरायटी में आती है, बट मैंने जो है वो गोल्डन कलर का यूज़ किया है। बहुत ही छोटा सा है, आप देख सकते हो। तो ये हमें मोती चाहिए, और ये हमें चाहिए करीब सिर्फ दो पीस, ठीक है। तो चलिए अब इसे आगे देखते हैं। और हमें इसके लिए चाहिए मौली धागा, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ले लिया है, और ये काफ़ी बड़ा नहीं है, करीब ये मैंने मापा नहीं है, ये करीब एक डेढ़ बित्ता है, बट आप डबल कर लीजिएगा, मैंने डबल लिया है। और आप चाहें तो इसे ऊन में भी बना सकते हैं या फिर किसी भी धागे में बना सकते हैं, पर मैंने इसके लिए मौल यूज़ किया है। और इसे बनाने के लिए जो है मैं इसमें सुई का यूज़ नहीं करूँगी, आप देख सकते हो मैंने डबल कर लिया है। और डबल करने के बाद मैं इसके किनारे पे आऊँगी, और इसके किनारे पे जो है मैं इसमें सुई से यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें ज़रा सा जो है वाटर यानी कि पानी लगा लगा के मैं जो है धागे को ऐड करूँगी, क्योंकि सुई मुझे थोड़ी झंझट लगी इसमें ऐड करने में, तो मैंने सोचा ऐसे ही कर लेते हैं। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हो इसमें मैंने जो है वाटर का यूज़ किया है, पानी का। सो ये इस तरीके से ये, और ये मैंने लिया है सबसे छोटा वाला पाइप, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने इसी तरीके से जो आप दूसरा देख रहे हैं इसी तरीके से मैंने बनाया है। और ये देखिए ये जो है ऐड हो गया। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे ये वाली मोती एक, ये भी ऐड हो गई। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे ये जो है ये वाली मोती, और इसे हमें दो मोती ऐड करनी है, ठीक है। ये देखिए ये भी ऐड हो गई, और ये दूसरा भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे फिर से ये वाली मोती गोल शेप वाली, ये देखिए ये भी ऐड हो गया। अब इसके बाद हम जो है मुढ़ी मोती ऐड करेंगे, यानी कि ये भी ऐड हो गया। अब इसके बाद फिर से हम गोल शेप वाली मोती ऐड करेंगे, ये भी ऐड हो गया। अब इसके बाद जो है ये जो है इसको हम ऐड करेंगे। आप इसकी जगह चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी अलग तरीके का अगर आपके पास है तो आप ऐड कीजिए। अब देखिए ये भी ऐड हो गया,
हम इसे लेके चले आएंगे बीचों बीच। और इसके बाद सेम इसी तरीके से इधर भी हमें ऐड करना है। बट आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम हमने ये पहले ऐड किया था, बट इधर हम पहले ये वाला मोती ऐड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ये जो मोतियाँ हैं इस तरीके मैंने इस तरफ से ऐड करेंगे। फर्स्ट में हमने इधर से ऐड किया था और अब इधर से आप ऐड कीजिए। तो पहले इसे ऐड करना होगा, फिर इसे इस तरीके से। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने ऐड कर लिया है और ये जो हमारा राखी है बनके कंप्लीट है। तो इसी तरीके से मैंने इसे भी बनाया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अभी राखी का माहौल है और लॉकडाउन में कोई बाहर भी नहीं जा रहा है। सो अगर आपके पास मोती है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही मोती चाहिए, अगर आपके पास दो तीन कलर की है, जैसी भी मोती है आप उसका बना के एक बार ट्राई करें, ज़रूर देखें, ज़रूर अच्छा लगेगा आपको। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये राखी कैसी लगी आपको। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।